चलिए बच्चों, हमने इस टॉपिक में जो भी चीज़ें सीख ली हैं उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बताया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसके पास एक फ्री सरफेस प्रेजेंट होता है और ये फेस करता है बॉडी फ्लूइड की तरफ या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ और प्रोवाइड करती है एक कवरिंग या फिर लाइनिंग कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी को। सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स से। सिंपल एपिथीलियम की अगर हम बात करें तो वो कंपोज रहती है एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से और फंक्शन करती है कि वो एक लाइनिंग की तरह वहां पर फॉर्म होती है बॉडी कैविटीज की, डक्ट्स की और साथ ही ट्यूब्स की। कंपाउंड एपिथीलियम जो होती है वो कंसिस्ट करती है दो या दो से ज्यादा सेल लेयर्स और वो प्रोवाइड करती है एक प्रोटेक्टिव फंक्शन। कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वहां पर कुछ सिलिया प्रेजेंट होते हैं फ्री सरफेस के ऊपर और उन्हें हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम। बच्चों, यहाँ हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तब तक आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगला यहाँ ये बताया है कि जो सीलिएटेड एपिथीलियम होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रोंकियोल्स, फेलोपियन ट्यूब्स। कुछ कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए और उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ सेल प्रोडक्ट्स। कॉलमनार एपिथीलियम के अंदर जो न्यूक्लाय होता है वो प्रेजेंट होता है उसके बेस पे और फ्री सरफेस के ऊपर कुछ माइक्रोविलाए प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, जो स्क्वामस एपिथीलियम होता है वो बना होता है एक सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से और वहां पर प्रेजेंट होती हैं इररेगुलर बाउंड्रीज। अगला यहाँ ये बताया है कि जो कंपाउंड एपिथीलियम है उनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। बच्चों, यहाँ भी हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तब तक आप इन पॉइंट्स को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें।